हे गाइस, आज का वीडियो में मैं अपने बारे में बताऊंगी ताकि जब मैं आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन दूँ, कोई भी चैनल इन्फॉर्मेशन दूँ, तो आपको पता चले कि एक्चुअली मेरे साथ में क्या होता है उस टाइम पे. ओके, तो सबसे पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ. मैंने पहले भी डिस्कस किया है इसको, बट अभी रिसेंटली जो बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं वो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि मैंने एलओए के वीडियोज़ देखना शुरू किया. मैं रिनी एलओए के वीडियोज़ देख रही थी. बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहती थी, अच्छी स्किन, अच्छी बॉडी, बहुत सारे पैसे, अच्छी रिलेशनशिप, कौन नहीं चाहता ये सब, है ना. तो मैंने एलओए में एंटर किया. मेरी शुरुआत हुई गैब्रियल बर्नस्टीन से, वहीं से मुझे आउल और 1111 का कॉन्सेप्ट पता चला. अब गैब्रियल बर्नस्टीन ने मुझे उस समय बोला, मतलब मुझे नहीं, मतलब अपने वीडियो में बताया कि वो योगी भजन को फॉलो करती है, उनकी कुंडलिनी क्रिया करती है. तो मैंने सोचा कि कुंडलिनी क्रिया वगैरह कौन करेगा, अपन तो एलोए लगाते हैं. सारी टेक्निक सीखी मैंने, सारी टेक्निक्स को यूज़ किया, बहुत यूज़फुल थी. और एलोए लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि आप खुश बहुत रहते हो, बहुत खुश रहते हो. ठीक है, फिर हो गई मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट. डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट हो गया. मैंने डार्क नाइट ऑफ द सोल के ऊपर भी वीडियोस बनाए. इसके अंदर आप एकदम लॉस्ट रहने लग जाते हो, आपको टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता. मतलब आपकी बॉडी यहाँ खड़ी है लेकिन आपकी सोल कहीं और ही है, आपका ईगो एकदम शैटर हो रहा था. अब रीनी ख़त्म हो रही थी, वहाँ से कुछ मेरा अट्रैक्शन शुरू हुआ. ऑफकोर्स मैं मंदिर भी जाने लगी. मैं तो वो पर्सन थी कि जो मंदिर और ये सब नहीं जाती थी. मैं कर्मों पे विश्वास रखती थी कि अगर मन में भगवान होते हैं और आप गरीबों की सेवा करो और सबके बारे में अच्छा सोचो, और ये इम्पैक्ट थी. मंदिर तो मैं जाती थी, मैं गुरुद्वारे के अराउंड, जब मैं गुरुद्वारे के पास से निकलती थी किसी से, तो मैं हिप्नोटाइज टाइप हो जाती थी. मैं लॉस्ट हो जाती थी. मतलब तब मुझे नहीं पता था, अब तो मुझे चीज़ें अच्छे से पता है कि वो क्या था. तो धीरे धीरे फिर कुछ ऐसा हुआ कि जब आपकी थर्ड आई थोड़ी सी ओपन हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ आप देखिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो थोड़ा सा यूट्यूब के ऊपर देख करके जिनको लगता है कि उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गया है. स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत बहुत बड़ी चीज़ है और ये बहुत समय तक चलती है. ये डिपेंड करती है बहुत लोगों के ऊपर. आपके कुछ पास्ट लाइफ के कर्म होते हैं. जो लोग बहुत जल्दी स्पिरिचुअली अवेकन्ड होते हैं, पता है, हो सकता है कि उन्होंने पास्ट लाइफ में वो प्रीस्ट रहे हों, वो यू नो उन्होंने यही काम किया हो, पंडित हो या किसी भी दरगाह पे रहने वाले हों या किसी गुरुद्वारे पे बैठने वाले. तो आपके जो पास्ट लाइफ के संचित कर्मा होते हैं उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर, कि आपकी कितनी जल्दी पेन बॉडी रिलीज होती है. और ठीक है, तो कमिंग बैक टू माई जर्नी, अब क्या हुआ कि थोड़ा पंजाबी कल्चर की तरफ, आपने मुझे कभी भी ऐसे नहीं देखा होगा, मतलब किसी भी कल्चर को अडेप्ट करने का ये मतलब नहीं है, मुझे एक बड़ा फैसिनेशन सा होने लग गया पंजाबी चीज़ों की तरफ. मैं जो ये कड़ा पहन रहा है ये भी वही है. ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि जब आपकी थर्ड आई ओपन होती है थोड़ी सी, उस टाइम आप सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हो नेगेटिव एंटिटीज़ के लिए, बिकॉज आप उस समय वो डायमेंशन देखने लग जाते हो. एक्चुअली इसके ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बनाया. वो हमेशा एंटिटीज़ आपके आसपास होती हैं, पर क्यों, क्योंकि अब वो आपको दिखने लग जाती है. अच्छा, मेरे केस में मुझे ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है. ना मैं ही क्लियर वॉयंट हूँ, ना ही मैं क्लियर ऑडियंट हूँ, मैं क्लियर सेंटियंट हूँ. तो अगर मेरे पास आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो मुझे फील होगी. हाउ स्केरी इज दैट, मुझे लगेगा कि मेरे अंदर वो एंटर हो चुकी है. बहुत स्केरी एक्सपीरियंस होता है ना. एंटिटी का मतलब एक इमोशंस का एक बहुत बड़ा सा गोला. मान लो किसी के बहुत गुस्से के इमोशन भी मेरे अंदर चले गए. नेगेटिव एंटिटी का मतलब भूत प्रेत ही नहीं है, मतलब आपके जो इमोशंस बिल्डअप इमोशंस होते हैं ये भी एक एंटिटी है एक तरीके से. फ्रस्ट्रेशन फील करना, घृणा फील करना, दुख फील करना, डिप्रेस्ड फील करना. ओके, तो जब मैं इस स्टेज पे आई तब मुझे लगा कि जो मैं मेडिटेशंस और वगैरह कर रही हूँ वो सफिशिएंट नहीं है. मुझे किसी भी तरीके से इस स्टेज से ऊपर निकलना है, क्योंकि मेरी थर्ड आई ओपन हो गया. अब मैं इसको बंद तो कर नहीं सकती, है ना. और जो चीज़ें मेरे सामने आ रही है, मैं इतनी स्ट्रांग न्यू वाइब्रेशन वाइज कि मैं उसको झेल पाऊँ. वहाँ से मैंने सबसे पहले एंसेस्ट्रल हीलिंग करना शुरू किया, क्योंकि एंसेस्ट्रल हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है. इसको पितृदोष भी बोला जाता है. तो जब मैंने सर्च किया तो उसके अंदर कैटलिस्ट योगी का एक वीडियो आया. किसी भी तरह की हीलिंग के बारे में आपको बताना चाहूँगी मैं. हर किसी की अपनी एक पर्सनल जर्नी होती है, हर किसी को अलग अलग तरह की हीलिंग रेजोनेट करती है. हो सकता है कि मेरे वीडियो को देख के ही आप हील हो जाएं,
हो सकता है कि मेरी हीलिंग बताई हुई हीलिंग से भी आपको कुछ फर्क ना पड़े। अगर आप किसी हीलिंग को ट्राई करते हैं उसको एक दो बार ट्राई करके देखिए, जबरदस्ती किसी को मत करिए, आपको अच्छा लगेगा। मतलब मुझे तो एक बार में इतना अच्छा लगा एंसेस्टर हीलिंग करते, इतना अच्छा लगा। और वो क्रिया किसने दी थी? वो क्रिया उनको योगी भजन ने बताई थी। अब दो पर्सन ने मुझे योगी भजन जी के बारे में बता दिया। अब मैंने उनको गूगल किया, मैंने कहा आज तो मैं गूगल करके देखती हूँ कि योगी भजन है कौन। ऑफकोर्स वो पास ही इज पास्ड अवे, वो है ना। मैंने उनके वीडियोस देखने शुरू करे। 90s के पर्सन है, 80s से उन्होंने अपना लेक्चर देना शुरू किया था, मतलब वो तो काफ़ी बड़ी एज है उनकी। और मतलब क्रिया करते करते डांटने लग जाते थे। टिपिकल जो गुरु होता है ना, टिपिकल टीचर होता है, इतनी क्यूट। और आपने आपने देखा है कि कभी कोई टीम जीतती है वो अपने कोच को कितना थैंक यू बोलती है? एक गुरु एक कोच होता है, मेरे साथ दिन रात रहते हैं योगी भजन। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि योगी भजन के गुरु हैं गुरु रामदास, तो बेसिकली मेरे गुरु हुए गुरु रामदास, मैं जिनकी क्या बोल लूँ। तो मैंने फिर वाहे गुरु के मंत्र करने शुरू कर दिए। और ये सब क्यों हुआ है? ये मेरे पास्ट लाइफ कनेक्शन की वजह से हुआ है। मैं पास्ट लाइफ में एक इस रिलीजन से रिलेटेड रह चुकी हूँ, मैंने ये सब पूजा पहले कर चुकी है, मैं फील कर सकती हूँ ना इन चीज़ों को। मैंने जितना रेजोनेट इस चीज़ से किया उतना रेजोनेट किसी भी चीज़ से कभी नहीं किया। ऑफकोर्स मैं ब्राह्मण हूँ, हम दिवाली मनाते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, घर में सब तरह की पूजा होती है। पर जब मैंने अपने गुरु को फॉलो करना शुरू किया, देखिए सब एक है, सब बेसिकली सब डिवाइन पावर से निकले हैं। पर जो आपके पास्ट लाइफ के, जो मैंने बोला ना, संचित कर्मा है, आप जहाँ से आए हो, तो आपको उस हिसाब से जब शिष्य रेडी होता है तो गुरु अपने आप मिल जाता है। तो तब मैं रेडी थी, तब मैंने सरेंडर कर दिया था, क्योंकि मुझे उससे निकलना था, उस थर्ड आई वाले ट्रॉमा से। अब मैंने लग के कुंडलिनी क्रिया करनी शुरू करी। और मैं हूँ बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव, अगर मैं शुरू करती हूँ किसी चीज़ को फिर मैं उसकी तह तक जाती हूँ। मैंने योगी भजन के वो वीडियोस देखे हैं जिसके कि 100-100 व्यूज़ होंगे बस, मतलब वो बहुत लोगों तक पहुँचे ही नहीं है, बहुत ही लकी लोगों तक पहुँचे हैं वो वीडियोस। क्योंकि कोई भी, हर कोई जना कुंडलिनी क्रिया नहीं करना चाहता है, हर कोई जना बस मैनिफेस्ट करना चाहता है उसको। किसी को भी, ऑफकोर्स अगर किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई है तो फिर उसको इतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो जब रिनी ख़त्म हो गई थी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैं क्या करती? तब तो मैं अपने आप को ढूंढ रही थी, मैंने बोला ना, मेरी तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई थी, तो मैं तो इन सब इस दूसरे डायमेंशन में ही चली गई थी। और फिर धीरे धीरे गुरु रामदास, योगी भजन, ये मेरे विजन्स में आने लगे। ये मुझे डायरेक्ट इनसे गाइडेंस मिलने लगी, डायरेक्ट मुझे वीडियोस के रिकमेंडेशंस आने लग गए। जब भी मुझे कुछ हील करना होता है मैं पूछती हूँ कि अब मुझे बताइए मुझे क्या हील करना है। तो रिसेंटली आज सुबह मेरा मूड थोड़ा सा इसीलिए ऑफ था क्योंकि मेरे को 3 से 5 बजे आज गाइडेंस मिली थी, जिसके अंदर मुझे मैस्कुलाइन एनर्जी की फीलिंग्स फील कराई गई थी। जो मैस्कुलाइन एनर्जी का जो कलेक्टिव है ना कॉन्शियसनेस, उनका दुख, उनकी पीड़ा, वो सब मैंने फील करी थी। इसलिए थोड़ा सा आज मैं उठी थी तो रेस्टलेस थी। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, उससे पहले ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको अगर ये लगे कि अरे इनको कैसे पता चल जाती है चीज़ें, इनको कहाँ से पता चल जाती है, तो ये मैं अपना पूरा जर्नी बता रही हूँ। तो अब बेसिकली मेरे पास में एक्सेस है चीज़ों को जानने की। ये मेरे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं आखिर जानना क्या चाहती हूँ। अगर मेरी दुनिया वहीं छोटी सी है ना, कि मैं अपना ध्यान रखूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपनी फैमिली को देख रहे हैं, अपने पास एक अच्छी कार होनी चाहिए, तो मेरे को उतना पता चलेगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ता है, आपको आपका परसेप्शन चेंज होता है, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है और आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती है, तो फिर आपके क्वेश्चंस भी चेंज होते हैं। और जो काफ़ी बार सामान्य लोगों को समझ में नहीं आते, उन लोगों को लगता है कि जो कि तिगड़ी में है उनको नहीं समझ में आता है। बेसिकली सबको लगता है कि अरे कुंडलिनी फिर अवेकन करने से फ़ायदा क्या हुआ, जब हमको पैसा भी नहीं मिल रहा है और इससे कोई हमारे अंदर सुपर पावर्स भी नहीं आ रही हैं। सुपर पावर्स आती हैं बट वो कुछ अलग तरीके की आती हैं। आपकी एक्चुअली लाइफ ही चेंज हो जाती है ना, लाइफ एकदम टोटली चेंज हो जाती है। आपको सुपर पावर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि आप तो सुपर पावर से कनेक्ट हो जाते हो, आप तो अपने अंदर ही वो सुपर पावर, जो सुप्रीम पावर, वो फील करने लग जाते हो।
मेरे को योगी भजन जी की बहुत याद आ रही है, मैं उनको अपने अंदर फील कर पाती हूँ। एक गुरु होता है ना, उसको आप अपने अंदर फील कर पाते हो, वो दिन रात आपके साथ रहता है, हर कदम पे आपको गाइड करता है। तो अगर अगर सच में आप रेडी होंगे, अगर आप सच में सरेंडर करेंगे और हाईएस्ट गुड के लिए, अगर आपका सब होगा अपने पर्सनल रीजन के लिए नहीं, तो आपको एक गुरु ज़रूर मिलेगा, चाहे वो लाइक लाइव फॉर्म में मिले, नहीं तो वो आपको ऊपर से भी गाइडेंस मिलेगा। और होगा, आप बहुत सारे लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे पता है उनको कोई ना कोई गुरु बन के फॉलो कर रहा है। और ये जो डिवाइन डिवाइन बात है, इट इज़ जस्ट सो ब्यूटिफुल, फुल ऑफ सरप्राइजेस, फुल ऑफ प्रोग्रेस, सो पीसफुल। तो आप में से कौन कौन ने मेरे जैसे एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस किया है, मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए। ओके।